बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम राशिदा परवीन एंड आई एम गोइंग टू टीच यू बायोडाइवर्सिटी टू बीएस केमिस्ट्री थर्ड ऑन द टॉपिक हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। एंड टुडे आवर लेक्चर इज लेक्चर नंबर 6। क्लास, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है हर्बेरियम के बारे में, कि हर्बेरियम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी में हर्बेरियम क्या है। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज। हर्बेरियम जो है वो प्लांट स्पीशीज का एक ऐसा कलेक्शन है इन विच प्लांट्स आर ड्राइड, जिसमें प्लांट्स को ड्राई किया जाता है, उनको सुखा लिया जाता है, एंड देन प्रेस्ड, और फिर ये जो ड्राई किए हुए प्लांट्स होते हैं इनको फिर प्रेस किया जाता है, दबा दिया जाता है, एंड प्रिजर्व्ड, और महफूज कर लिया जाता है ऑन द शीट्स, शीट के ऊपर। उसके बाद जो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लांट कलेक्शन लेते हैं, प्लांट स्पीशीज हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उनको ड्राई करके, उनको प्रेस करके, उनको एक शीट के ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है। द प्लांट्स आर यूजली कलेक्टेड। अब ये जो प्लांट्स हैं इनको कलेक्ट किया जाता है इन सीटू। इन सीटू यानी कि किसी खास मुकाम से जो है इन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है जहां पे ये उगते हैं। E.G. where they were growing in nature, जहाँ पे ये एक नेचर के अंदर फ्रीली उग रहे होते हैं। आइडेंटिफाइड बाय द एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स जो हैं वो इनको आइडेंटिफाई करते हैं इन प्लांट्स को, एंड देन प्रेस्ड, फिर इन प्लांट्स को प्रेस किया जाता है, एंड देन केयरफुली माउंटेड टू द आर्चिवल पेपर, और फिर इनको बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ एक पेपर के ऊपर, एक शीट के ऊपर इनको पेस्ट कर दिया जाता है। इन सच अ वे, इस तरह से, दैट ऑल मेजर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, के जितने भी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं इस प्लांट के, जितने भी इसके फीचर्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं क्या हों, वो विजिबल हों, क्लियरली नजर आ रहे हों। फॉर एग्जाम्पल बोथ द साइड्स ऑफ लीव, फॉर एग्जाम्पल लीव्स की जो दोनों साइड्स हैं, अपर साइड भी और लोअर साइड भी, दोनों साइड जो हैं वो क्लियरली विजिबल हों, एंड द फ्लोरल स्ट्रक्चर, और जो इसका फ्लावरिंग पैटर्न है, इसकी पेटल्स हैं, इसका स्टिग्मा है, स्टेमन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी क्लियरली नजर आ रही हों। इस तरह से प्लांट को शीट के ऊपर माउंट करना है। द माउंटेड प्लांट्स आर लेबल्ड। अब ये जो माउंटेड प्लांट्स होते हैं जिनको शीट के ऊपर पेस्ट किया है, उन प्लांट्स को लेबल किया जाता है विद देयर प्रॉपर साइंटिफिक नेम्स, इनके साइंटिफिक नेम्स के जरिए से। द नेम्स ऑफ द कलेक्टर, और फिर जिस बंदे ने उस प्लांट को कलेक्ट किया है उसका नेम भी वहां पे मेंशन किया जाता है। एंड यूजली द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह की होती है, अबाउट वेयर दे वर कलेक्टेड, कि इन प्लांट्स को किन किन जगहों से कलेक्ट किया गया है, एंड हाउ दे वर ग्रू, और वो किस तरह से उगे हैं, एंड जनरल ऑब्जर्वेशन, उनकी जो ग्रोथ के दौरान जो भी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं वो भी वहाँ पे लेबल कर दी जाती है, मैंशन कर दी जाती हैं। तो हर्बेरियम में क्या किया जाता है, किसी एक खास मुकाम के ऊपर जहाँ पे प्लांट उग रहा होता है, उस प्लांट को, उस प्लांट स्पीशी को सबसे पहले वहाँ से कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उस प्लांट को कलेक्ट करने के बाद उस प्लांट को ड्राई किया जाएगा, ड्राई करने के बाद उसको प्रेस किया जाएगा, प्रेस करने के बाद उसको एक शीट के ऊपर पेस्ट कर दिया जाएगा। अब जिस शीट के ऊपर प्लांट को पेस्ट किया है, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है लेबलिंग का। अब उस प्लांट को हमने लेबल करना है। अब लेबलिंग जो है वो इस तरह से करनी है कि प्लांट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड करनी है, लाइक उसका कॉमन नेम, उसका साइंटिफिक नेम, जिस बंदे ने उसको कलेक्ट किया उसका नेम वहां पे मेंशन किया जाएगा, किस तरह की कंडीशंस में वो प्लांट ग्रो हुआ है, कौन सी जगह से उस प्लांट को कलेक्ट किया गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां पे लेबल कर दी जाएगी। उसके बाद द स्पेसिमेंस आर कॉमनली फील्ड। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ये कॉमनली फील्ड किए जाते हैं इन केसेस अकॉर्डिंग टू देयर फैमिलीज, और इन प्लांट्स की फैमिली जो है वो भी लेबलिंग में ही मेंशन कर दी जाती है, एंड जेनराज, और इनके जेनरा भी, एंड आर अवेलेबल फॉर रेडी रेफरेंस, और इनके जो रेफरेंसेज हैं वो भी मेंशन कर दिए जाते हैं कि इस प्लांट को सबसे पहले किस बंदे ने आइडेंटिफाई किया था।
नेक्स्ट है द फर्स्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो सबसे पहला हर्बेरियम हैज फाउंडेड, इसको सबसे पहले तखलीक किया था, सबसे पहले क्रिएट किया था इन 1545, 1545 में इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेडोआ इटली। इटली की एक यूनिवर्सिटी है पेडोआ में, ठीक है, उसमें जो है दुनिया का सबसे पहला हर्बेरियम जो है वो क्रिएट किया गया था 1545 में। इन द वर्ल्ड, दुनिया में देर आर अबाउट 1500 रिकॉग्नाइज हर्बेरिया, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1500 के करीब जो है वो हर्बेरिया अब तक पाए जाते हैं। बिसाइड मैनी स्मॉलर हर्बेरियाज, अब जो बहुत छोटे छोटे जो स्मॉल जो हर्बेरिया हैं वो इन 1500 हर्बेरिया के अलावा हैं। विद इंस्टीट्यूशंस जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं और डिफरेंट फार्मेसीज के अंदर हैं। ISL वॉज एस्टेब्लिश इन 1974। ISL जो है वो पाकिस्तान का एक हर्बेरिया है जिसको सबसे पहले एस्टेब्लिश किया 1974 में। इट इज नाउ, ये अब तक द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन पाकिस्तान, ये अब तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा हर्बेरियम है, हैविंग 1,80,000 स्पेशीमेन। अब ये जो ISL है इसके अंदर 1,80,000 प्लांट्स हैं। दीज इंक्लूड 150 फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके अंदर 150 यानी कि 150 जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, प्लस मैनी जिम्नोस्पर्म्स। अब इन ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, 150 स्पीशीज जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स की ISL के अंदर पाई जाती है। इसमें बहुत सारे जिम्नोस्पर्म प्लांट्स भी हैं और नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स भी हैं। नेक्स्ट है लेबलिंग, इनकी लेबलिंग कैसे की जाती है। प्लांट्स को तो हमने मतलब देख लिया कि प्लांट को सबसे पहले कलेक्ट करना है, उसके बाद उसको ड्राई करना है, फिर उसको प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद उसको माउंट कर देना है एक शीट के ऊपर। अब उसकी लेबलिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती है, अब हमने उसको देखना है कि लेबलिंग किस तरह से प्लांट की हर्बेरियम के अंदर की जाती है। सबसे पहले जो है वो डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, सबसे पहले जो है वो प्लांट की डेट मेंशन करनी है कि किस डेट पे जो है इस प्लांट को कलेक्ट किया था। उसके बाद उसकी प्लेस ऑफ कलेक्शन के किस जगह से इस प्लांट को कलेक्ट किया गया है, लाइक रोजा इंडिका है एक, मतलब ये गुलाब का पौधा होता है, रोजा इंडिका को आप किसी भी जगह से कलेक्ट करते हैं, तो आप जब उसका हर्बेरियम डिजाइन कर रहे होंगे तो वहां पे आप मेंशन करेंगे कि रोजा इंडिका को इस डेट पे इस जगह से मैंने कलेक्ट किया। नेक्स्ट है इंग्लिश लोकल और बोटैनिकल नेम्स, फिर उसके बाद उस प्लांट का इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम, उसका बोटैनिकल नेम आपने मेंशन करना है। इंग्लिश नेम जैसे हमारे पास रोजा इंडिका है, इसे रोजा इंडिका तो इसका साइंटिफिक नेम है, तो अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसे रोज कहते हैं, तो ये जो है इंग्लिश में रोज कहते हैं, लोकल नेम इसका गुलाब का पौधा है और बोटैनिकल नेम जो है वो इसका रोजा इंडिका है। फिर इस प्लांट की फैमिली के बारे में और कलेक्टर नेम जो है वो मेंशन करना पड़ेंगे। यहाँ स्क्रीन पे आपको एक हर्बेरियम नजर आ रहा है, ये एक प्लांट है, ठीक है। अब ये जो प्लांट है देखे, इसको इस तरह से माउंट किया गया है कि इसका जो फ्लावर है, फ्लोरल स्ट्रक्चर है, वो भी क्लियरली विजिबल है, और आप इसके लीव्स देखें, लीव्स की दोनों मतलब दोनों साइड जो है, अपर साइड भी और इसकी लोअर साइड भी क्लियरली विजिबल है, इसका स्टेम भी क्लियरली नजर आ रहा है। उसके बाद जब इस प्लांट की लेबलिंग करनी है, यहाँ पे ये साइड पे इसकी लेबलिंग की हुई है हर्बेरियम स्पेसिमेन की, यहाँ पे इसका नंबर मेंशन किया हुआ है प्लांट का कौन सा नंबर है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ कलेक्शन है कि किस डेट को इसे कलेक्ट किया था, उसके बाद उसका नेम, फैमिली, लोकेलिटी, आल्टीट्यूड, हैबिटेट, कलर, ये सारे जो रिमार्क्स हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी होती है वो सारी की सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है इस हर्बेरियम के अंदर। नेक्स्ट है रोल ऑफ हर्बेरियम, हर्बेरियम जो है हम क्यों कलेक्ट करते हैं, प्लांट की क्यों कलेक्शन की जाती है। रोल ऑफ हर्बेरियम सेज दैट इट डिस्कवर एंड कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ अ प्लांट, एक तो ये नए नए प्लांट्स को डिस्कवर करती है, नेक्स्ट ये कि ये कंफर्म करती है प्लांट्स को आइडेंटिफाई करती है, और डिटरमाइन और ये भी बताती है दैट इफ इट इज न्यू टू साइंस
कि ये जो प्लांट है हमने इस हर्बेरियम के अंदर माउंट किया है, ये साइंस के लिए नया तो नहीं है? अगर नया है तो इट मीन्स कि आपने एक नया प्लांट जो है वो डिस्कवर कर लिया है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेशलिस्ट। जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को ये डॉक्यूमेंट करता है। हु हैव स्टडी द स्पेसिमेन इन द पास्ट। जिन बंदों ने उस प्लांट को पास्ट में स्टडी किया था उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है। इट प्रोवाइड लोकेलिटी डेटा। ये लोकेलिटी डेटा भी प्रोवाइड करता है फॉर प्लानिंग फील्ड ट्रिप्स, जहाँ पे फील्ड ट्रिप्स जो हैं वो अरेंज किए जा सकते हैं। कोई प्लांट है, आपने उसको 10 जगहों से आइडेंटिफाई किया है, तो आप जब उसका हर्बेरियम क्रिएट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये प्लांट जो है इन इन जगहों पे पाया जाता है, और हम इन जगहों पे इस प्लांट को कलेक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं, या इस प्लांट को स्टडी करने के लिए हम इन इन जगहों को हम विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हर्बेरियम एक्ट एज एन एड। हर्बेरियम जो है वो एक मदद फ्राहम करता है इन टीचिंग बॉटनी टू डिग्री, एक स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट पढ़ाने में मदद करता है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी इससे हेल्प लेते हैं। वी कैन कंपेयर ऑल द रिलेटेड स्पीशीज ऑफ अ जेनस। एक ही जेनस के बहुत सारी स्पीशीज को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, उनके दरमियान में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, हम इजीली उनको जज कर सकते हैं। इन द सेम प्लेस, जो किसी एक ही जगह के ऊपर पाई जाएंगी, इन द सेम स्टेट, किसी एक ही स्टेट के अंदर पाई जाती हैं, एंड सेम टाइम, और एक ही टाइम में। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम की क्या इंपॉर्टेंस है, अब हमने इसको डिस्कस करना है। इट प्रोवाइड वैल्यूएबल डेटा एंड मटेरियल। ये किसी भी प्लांट के बारे में एक बहुत ही मुफीद और कारामद डेटा और मटेरियल प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्ड, ये मदद करता है इन ऑल काइंड ऑफ टेक्सोनॉमिक रिसर्चेस। जितनी भी रिसर्च होती हैं टेक्सोनॉमी के रिलेटेड, उन सब में ये हेल्प आउट करता है। इट एड्स इन असेसमेंट, ये असेस करता है ऑफ कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ अ टैक्सोन, के किसी टैक्सोन को कितना हमने कंजर्व करना है। इट एक्ट एज एन एड, ये मदद फ्राहम करता है इन टैक्सोनॉमिकल रिसर्च, रिसर्चर्स को भी ये हेल्प फ्राहम करता है। इट सर्व एज अ फंडामेंटल रिसोर्स, ये एक फंडामेंटल सोर्स के तौर पर एक्ट करता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स ऑफ अ कंट्री, कि हम एक ही कंट्री के जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें, एंड इवन वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के जो प्लांट्स हैं हम उनके बारे में भी मतलब उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोटैनिकल गार्डन्स। अब हमने बोटैनिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ना है। बोटैनिकल गार्डन्स आर द इंस्टीट्यूशंस। बोटैनिकल गार्डन्स जो हैं ये प्लेसेस होती हैं, ये इदारे होते हैं, दैट आर होल्डेड, जो कि होल्ड करते हैं डॉक्यूमेंटेड कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, जिनके पास लिविंग प्लांट्स की कलेक्शन होती है। अब उस लिविंग प्लांट्स के कलेक्शन का पर्पस क्या होता है? फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, उसका जो पर्पस है वो होता है साइंटिफिक रिसर्च करना, कंजर्वेशन, प्रोटेक्ट करना, डिस्प्ले यानी कि उनकी नुमाइश करना, एंड टू गेट एजुकेशन, और उनसे तालीम हासिल करना। टू आइडेंटिफाई द होल प्लांट, एक पूरे प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड टू सी ऑल इट्स करेक्टर्स, और उसके जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी उसकी खूबियां हैं, उन सबको देखने के लिए बोटैनिकल गार्डन जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ अ बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन का जो सबसे मेन फंक्शन है इज टू अलाउ एन ऑडियंस, ये जो है हाजरीन को अलाउ करता है टू सी कि वो आके देखें, एंड लर्न अबाउट प्लांट्स, और प्लांट्स के बारे में जितना हो सकता है लर्न करें। इट इज़ अ कल्चरल रोल, ये कल्चरल रोल प्रोवाइड करता है, एक सकाफती किरदार अदा करता है। वी कैन सी द नेम ऑफ अ प्लांट, हम प्लांट का नेम भी जज कर सकते हैं, बोथ द साइंटिफिक एंड वर्नाक्यूलर नेम्स। अब जो प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम भी हम उसके मतलब वहां से उसका साइंटिफिक नेम भी देख सकते हैं, और उसके वर्नाक्यूलर नेम यानी कि उसका नेटिव नेम जो है, उसका कॉमन नेम है, उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोटैनिकल गार्डन्स। यू कैन ऑल्सो लर्न देयर यूज,
हम प्लांट्स के यूजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, विच कैन बी ऑर्नामेंटल। अगर कोई प्लांट ऑर्नामेंटल है तो हमें बोटैनिकल गार्डन से पता लग जाएगा कि ये वाला जो प्लांट है ये ऑर्नामेंटल यानी कि खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए यूज हो सकता है। मेडिसिनल, उस प्लांट की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वहाँ से, बोटैनिकल गार्डन से उस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर उसका कोई फूड वैल्यू है, उसे अगर हम खुराक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें बोटैनिकल गार्डन प्रोवाइड कर सकता है। और टेक्निकल और साइंटिफिक यानी कि उस प्लांट के बारे में जितनी भी टेक्निकल और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, बोटैनिकल गार्डन ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स आर ग्रोन फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। बोटैनिकल गार्डन के अंदर जो है वो प्लांट्स को उगाया जाता है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको देखने के लिए, ठीक है, उनको करेक्टराइज करने के लिए। फॉर आइडेंटिफिकेशन, उन प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए देयर लेबलिंग इज नेसेसरी। उनकी जो लेबलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अभी हमने हर्बेरियम की लेबलिंग पढ़ी थी, अब हम बोटैनिकल गार्डन्स की हर जो लेबलिंग है उसको डिस्कस करेंगे। अब बोटैनिकल गार्डन्स में जो प्लांट होते हैं, लिविंग प्लांट्स होते हैं, उनकी लेबलिंग कैसे की जाती है, उनकी लेबलिंग के लिए क्या क्या कंडीशन ज़रूरी होती हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। नंबर वन, प्लांट का बोटैनिकल नेम। जो भी प्लांट है उसका बोटैनिकल नेम लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फैमिली, उस प्लांट की फैमिली के बारे में भी लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। लेबलिंग जो है वो बोटैनिकल नेम और उस प्लांट की फैमिली के जरिए से बोटैनिकल गार्डन के अंदर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रॉयल बोटैनिकल गार्डन्स इन इंग्लैंड। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन है, रॉयल बोटैनिकल गार्डन इन क्यू, इंग्लैंड। इंग्लैंड के शहर क्यू के अंदर रॉयल बोटैनिकल गार्डन है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन है। नाउन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है बोटैनिकल गार्डन है। दिस 300 एकड़ गार्डन, ये जो गार्डन है वो 300 एकड़ के रकबे पे मुहित है, नियर लंदन, लंदन के करीब। इज होम टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, ये जो है घर माना जाता है बहुत सारे प्लांट्स का। यहाँ स्क्रीन पे आपको डिफरेंट बोटैनिकल गार्डन्स नजर आ रहे होंगे, ये डिफरेंट बोटैनिकल गार्डन्स है जहाँ पे प्लांट की जो है वो एक लार्ज वैरायटी पाई जाती है। नेक्स्ट है बोटैनिकल गार्डन्स, कुछ दुनिया के बोटैनिकल गार्डन्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत भी हैं और बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव भी हैं। तो लाइफ में आप इन बोटैनिकल गार्डन्स को ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसके बाद है बोटैनिकल गार्डन्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से बोटैनिकल गार्डन्स हैं, अब हमने उनको डिस्कस करना है। रिसर्च बोटैनिकल गार्डन्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर रिसर्च के कौन कौन से बोटैनिकल गार्डन्स हैं। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी बोटैनिकल गार्डन मर्दान। मर्दान में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का बोटैनिकल गार्डन है। नेक्स्ट है बहावलपुर में बोटैनिकल गार्डन ऑफ इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी का बोटैनिकल गार्डन। नेक्स्ट है लाहौर में बोटैनिकल गार्डन ऑफ गवर्नर हाउस, गवर्नर हाउस का बोटैनिकल गार्डन। नेक्स्ट है गुजरात में गवर्नमेंट जमींदार कॉलेज का बोटैनिकल गार्डन। नेक्स्ट है हट्टर में बोटैनिकल गार्डन ऑफ कृषि इंडस्ट्रीज, कृषि इंडस्ट्रीज का जो है वो बोटैनिकल गार्डन है। नेक्स्ट है लाहौर में दानिशमंदान बोटैनिकल गार्डन। ये जो है पाकिस्तान के बड़े बोटैनिकल गार्डन्स हैं जिन्हें रिसर्च पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट क्या होती है? वाइल्ड लाइफ मीन्स नेटिव एनिमल्स ऑफ अ रीजन। वाइल्ड लाइफ का मतलब है मकामी जानवर, किसी भी इलाके के, किसी इलाके के जो मकामी जानवर होते हैं उनको कहा जाता है वाइल्ड लाइफ। अब ये मकामी जानवर भी हो सकते हैं और ये मकामी प्लांट भी हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनी एनिमल। वाइल्ड लाइफ के अंदर कोई भी जानवर भी आ सकता है, इंसेक्ट यानी कि हशरात भी आ सकते हैं, एक्वेटिक और लैंड वेजिटेशन यानी कि प्लांट भी आ सकते हैं। दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ हैबिटेट, जो किसी हैबिटेट का एक पार्ट बना देते हैं। इट इंक्लूड ऑल द वराइटीज ऑफ फाना एंड फ्लोरा, इसमें जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी सारी वैरायटी जो है वो आ जाती है। विच इज पॉपुलरली नाउन एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे कॉमनली जो है फ्लोरा और फाना को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है।
वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इज अ जनरल टर्म. वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जो है ये एक जनरल सी टर्म है, एक आम सी टर्म है. फॉर द प्रोसेस ऑफ कीपिंग इसमें क्या किया जाता है, महफूज किया जाता है. फॉर द प्रोसेस ऑफ कीपिंग वाइल्ड स्पीशीज, अब ये जो वाइल्ड स्पीशीज हैं यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स की जो स्पीशीज हैं इनको प्रिजर्व किया जाता है एट डिजायरेबल लेवल, बिल्कुल उस लेवल पे जिस लेवल पे आप चाहते हैं कि इन स्पीशीज को हम प्रिजर्व करें. विच आर डिटरमाइंड बाय द वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स, अब ये जो लेवल है इसको डिटरमाइन करते हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स, इसको डिटरमाइन करते हैं. नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में हमने डिस्कस करना है, इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस. वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट भी है एक साइंस भी है. ऑफ रीचिंग गोल्स, जिसमें गोल्स जो है वो पूरे किए जाते हैं, मकासिद को हासिल किया जाता है बाय मैनिपुलेटिंग और मेंटेनिंग वाइल्ड लाइफ. और इसमें जो है वो गोल्स कैसे पूरे किए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ को मैनेज करके, उनका हैबिटेट, उनकी जो पॉपुलेशन है, इन चीज़ों को मेंटेन करके अपने गोल्स अचीव किए जाते हैं. द प्रोसेस इन्वॉल्व मैनी कंपोनेंट्स, इस प्रोसेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं. नंबर वन है यूअर ओन नॉलेज, आपका अपना नॉलेज जो है वो इसका एक बेसिक कंपोनेंट है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बारे में, वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए. फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, ऐसे फैक्टर्स जो कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं चाहे वो इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं. द इंटरेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का आपस में या फिर माहौल के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है वो भी इसका एक बेसिक कंपोनेंट है. द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन एक्टिविटीज का कितना इम्पैक्ट है वाइल्ड लाइफ पे. हाउ सराउंडिंग लैंडस्केप इफेक्ट वाइल्ड लाइफ, के नज़दीक की इर्द गिर्द की जो लैंडस्केप है, ज़मीन है, वो वाइल्ड लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, ये सारे जो हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के बेसिक कंपोनेंट्स हैं. अगर हमें इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में पता होगा, अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन होगी, तो हम वाइल्ड लाइफ को इजीली मैनेज कर सकते हैं, इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है मोड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ को जो है वो किस तरह से, किन किन जरियों से, किन किन वेज के जरिए से हम वाइल्ड लाइफ को मैनेज कर सकते हैं. नंबर वन है प्रोटेक्शन बाय लॉ, या तो ये होगा कि हम एक लॉ को इंट्रोड्यूस करवा दें और उस लॉ को जो है उस कंट्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग जो हैं इस लॉ को फॉलो करेंगे, और इस तरह से वाइल्ड लाइफ को मैनेज किया जा सकता है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को डेवलप करें, उनको एस्टैब्लिश करें, ताकि वहाँ पे जो जो भी प्लांट स्पीशीज हैं, जो भी एनिमल की स्पीशीज हैं जो कि इंडेंजर्ड हो गई हैं या जो कि थ्रेटेंड हैं, उनको वहाँ पे सिक्योर किया जा सके. नेक्स्ट है नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ शुड बी केयरफुली प्रोटेक्टेड, जो वाइल्ड लाइफ है उसके नेचुरल हैबिटेट को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही केयर के साथ प्रोटेक्ट किया जाए. शूटिंग एंड हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज शुड बी टोटली बैन, ऐसी स्पीशीज जो कि खतरे में है कि वो नापैद हो जाएंगी, इस तरह की स्पीशीज की शूटिंग, उनकी हंटिंग, उनकी शूटिंग और हंटिंग पे टोटली बैन कर देना चाहिए. नेक्स्ट है रिसर्च ऑन वाइल्ड लाइफ शुड बी इनकरेज, जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी लोगों के दरमियान में उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो वाइल्ड लाइफ के बारे में बेदार होगी, उतनी ज़्यादा जो है वो लोगों को नॉलेज मिलेगा कि वाइल्ड लाइफ जो है वो उसके उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसको किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं. तो जितनी रिसर्च हो सकती है उसको इनकरेज किया जाना चाहिए. पब्लिक शुड बी एजुकेटेड, पब्लिक जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि पब्लिक जो है वो तालीम याफ्ता हो सके, पब्लिक के बारे में नॉलेज हो कि वाइल्ड लाइफ को किस तरह से मैनेज करना है. नेक्स्ट है व्हाई वाइल्ड लाइफ इज मैनेज, वाइल्ड लाइफ को क्यों मैनेज किया जाता है. वाइल्ड लाइफ हेल्प अस इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर, ये नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने में मदद फ्राहम करती है. इट कैन इंक्रीज अवर फॉरेन एक्सचेंज, ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा देती है. इफ़ इट इज़ लिंक विद टूरिज्म, अगर ये सियाहत के साथ जो है जुड़ी हुई है. प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्प अस टू मेक देयर स्टडी इजी,
अब जो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन है ये हमारी स्टडी को बहुत ही इजी बना देती है। वाइल्ड लाइफ इज अवर कल्चरल असेस्ट, वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारा सकाफती असासा है एंड है डीप रूटेड इफेक्ट ऑन आर्ट्स कल्चर एंड रीजन। और इसका बहुत ही ज़्यादा बहुत ही गहरा असर होता है आर्ट पे, कल्चर पे और रीजन पे। टू प्रोटेक्ट टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल की स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर बेटर ग्रोथ एंड ब्रीडिंग, उनकी जो है बेटर ग्रोथ और ब्रीडिंग जो है वो बहुत ही नेसेसरी होती है। टू एंश्योर इस बात की यकीन दहानी करवाने के लिए द सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूजिंग द फाइनाइट रिसोर्स इन अ जुडिशियस मैनर, इस बात की यकीन दहानी करवाने के लिए कि जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के, उनको हम एक सस्टेनेबल यानी कि एक जुडिशियस मैनर के अंदर हम उनको यूज़ करें, एक मुनसफाना तरीके से हम उनको यूज़ करें। ऐसा ना हो कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास एक ही दम से यूटिलाइज करके उनको बैठ जाएं और फ्यूचर में हमारे पास वो रिसोर्सेज हों ही ना, फ्यूचर जनरेशन के लिए बिल्कुल भी ना हो, वो उनका लॉन्ग टर्म डिक्लाइन जो है वो क्रिएट हो जाए। ओके क्लास, ये तो था आज का मेरा लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।